फरीदाबाद के सेक्टर 16 में आज यादव समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर पिछले प्रधान हुकुमचंद लांबा को दोबारा निर्विरोध कर अपने समाज का प्रधान नियुक्त कर दिया। इस मीटिंग में यादव समाज के लगभग 200 मैजिस लोगों ने एक साथ साथ खड़े करके पुराने प्रधान को दोबारा चुनने के लिए अपनी सहमति दी। मीटिंग में आए सभी लोगों ने प्रधान हुकुमचंद के पिछले 3 साल के कार्यकाल के कामों का ब्यौरा देखा और दोबारा सभी में सहमति बनी कि आगामी 3 साल के लिए भी इन्हीं को दोबारा प्रधान नियुक्त किया जाएगा। क्या कार्यक्रम था आज, क्या किया गया है? आज यादव कल्याण समिति की AGM की मीटिंग थी और उसमें आगे चुनाव के बारे में भी चर्चा करनी थी, तो सभी ने जो हुकुमचंद लांबा जी के कार्यों की सराहना की और उनके कार्यों को देखते हुए हमने जो है उनका नाम पुनः सर्वसम्मति से नाम रखा और जो है सभी ने हाथ उठा के उसमें अपनी सहमति और समर्थन दिया और सभी ने उनको दोबारा 3 साल के लिए चुना गया। सर क्या शुभ नाम है आपका? हुकुमचंद लांबा। आज मीटिंग कर की गई थी, संसद से चुना गया है आपको, क्या कहना है इसके बारे में? सारे ही समाज ने सर्वसम्मति से जो है ना मेरा हाथ उठा के नाम लिया है और मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और आगे के लिए जो है जो भी समाज के अच्छे काम होंगे वो किए जाएंगे समाज के लिए। 3 साल के लिए चुना गया है? जी हाँ, 3 साल के लिए। पिछले कितने समय से आप प्रधान हैं? 3 साल से मैं पहले प्रधान हूँ। पिछले भी रहे आप? हाँ जी, 3 साल। फिर 3 साल के लिए चुने गए? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अगले साल के लिए चुने गए? पिछले तीन, अगले, पहले 3 साल के लिए रहा हूँ, आगे 3 साल के लिए चुना गया। पिछले 3 सालों में जो आपने कुछ सामाजिक कार्य किए हैं, क्या उनके बारे में कुछ बताएं? हाँ, पिछले 3 सालों में बहुत सारे ही सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे कि हम यहाँ एक टाइकांडो का प्रोग्राम चलाते हैं, एक जो है यहाँ पे हमने डिस्पेंसरी खोली है जो फ्री जो है जो गरीब लोग आते हैं दवाइयाँ देते हैं उनको, जो एक MBBS डॉक्टर रखा हुआ है, एक इसकी हमने फ्लोर बनाई है धर्मशाला की, और जो जो भी गरीब लोग आते हैं उनकी शादियाँ वादियाँ करनी होती है वो यहाँ हम उनको जो जगह देते हैं फ्री में जो है उनको, और जो हमसे होता है कन्यादान के रूप में देते हैं उन लोगों को। फरीदाबाद से तेलका लाइंस के लिए विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तेलका हेडलाइन न्यूज और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।